आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई कुछ ऐसा दिख रहा है, मुंबई में भयानक डस्ट स्टॉर्म देखने को मिला और ये दूसरा डस्ट स्टॉर्म है जिसकी वजह से पॉल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। UPSC फाउंडेशन कोर्स अभी इसी वक्त अवेल कर लो, इन नंबर्स पर कॉल करो क्योंकि अब लाइव क्लासेस शुरू हो रही हैं। डाउट सेशन, सवाल को कैसे हैंडल करना है, मेंस ओरिएंटेड एंड एवरीथिंग वी विल गिव। तो मुंबई अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो हाई लेवल्स ऑफ पॉल्यूशन हमको देखने को मिले हैं। अब देखिए हाई लेवल ऑफ पॉल्यूशन क्या है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, इस पर मैंने कई बार लेक्चर लिया है। ये 0 से 100 तक, वैसे तो 0 से 50 तक होना चाहिए लेकिन 0 से 100 तक भी सही माना जाता है। अगर 400 से ऊपर गया, भयानक, एक्सट्रीमली डेंजरस, ग्रेडेड इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक्शन जो दिल्ली सरकार लेती है, 301 से 400 की कैटेगरी में अगर होता है तो रेड या फिर इसको वेरी पुअर बोला जाता है। तो संडे को यानी कि नर्सों 316 एयर क्वालिटी इंडेक्स रहा, मंडे को यानी कि परसों 318 और कल 320 रहा। तो लगातार 3 दिन से मुंबई में पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। देखिए मुंबई में वैसे भी पॉल्यूशन काफी ज्यादा है, मेट्रो सिटी है एक, लेकिन हवा चलती है तो धीमे धीमे ये सब छट जाता है क्योंकि मुंबई कोस्टल एरिया में आता है, समुद्र के पास है, तो वहां का क्लाइमेट, वहां ज्यादा ठंड नहीं रहती है। लेकिन इसकी वजह से क्या हुआ, ठंड भी बढ़ी है। जब ठंड कैसे बढ़ी उसको भी हम बताएंगे। ये आप देख सकते हो मासगांव में जो कि सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड एरिया था, 495 से ऊपर चला गया। 400 से ऊपर मतलब तुरंत आपको कुछ ना कुछ करना है, ठीक है। ये सबसे सीवियर कैटेगरी होती है, हर दिन 10 सिगरेट पी लो ये ऐसा रहता है जो आप हवा अंदर लेते हो सीवियर कैटेगरी में। 1:30 बजे ओवरऑल AQI इट वॉज वेरी पुअर कैटेगरी, दिल्ली पुणे अहमदाबाद से भी वर्स। अब ये सब ट्रैक करती है सफर, साइंस सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग सफर। अब AQI मैं कई बार बता ही चुका हूं, एयर क्वालिटी आपके PM2.5 PM10 पर्टिकुलेट मैटर जो कि बहुत 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 छोटा हो जाता है, बहुत ही छोटा होता है, और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, बाकी धूल धक्कड़, आप जब सांस लेंगे ना तो वैसे तो आपकी बॉडी ही इम्यून सिस्टम है। पहले जब आप सांस लेते हैं तो आप जैसे जो नाक से सांस लेते हैं तो नाक के जो हेयर्स होते हैं ना वो ऑलरेडी फिल्टर का काम करते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं ये सब कुछ भेदते हुए आपके लंग से चिपक जाएंगे, तो बड़े डेंजरस होते हैं। PM2.5 PM10 ओजोन, फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, तो हार्मफुल गैस का कितना मेजर है उसी को ही AQI कहते हैं। अब अगर ज्यादा AQI यानी कि ये सब ज्यादा प्रेजेंट है, ज्यादा प्रेजेंट है तो इट इज क्वाइट डेंजरस। तो अब मुंबई में इतना ज्यादा पोल्यूशन हो क्यों रहा है, एकदम से 3 दिन में क्यों बढ़ गया, इससे पहले तो सब कुछ नॉर्मल था। तो भाई हाई पोल्यूशन सेकेंड डस्ट स्टॉर्म की वजह से है भाई। 2 धूल भरी आंधी मुंबई को देखने को मिली और तगड़ी वाली, छोटी मोटी नहीं कि आधे घंटे में आए चली गई, तगड़ी वाली। इस साल क्या ना हो जाए, आपने ठंड देखी अजीब और गरीब दोस्तों, 5 फरवरी को लखनऊ में भयानक कोहरा, मतलब ठंड जो है वो 14 जनवरी के बाद कड़ाके की पड़ी, आमतौर पे कम हो जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ऑब्वियसली, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि बारिश जो है वो अगस्त में सितंबर में हो रही है, ठंड जो है वो धीमे धीमे जो क्लाइमेटिक पैटर्न है वो शिफ्ट होता जा रहा है आगे की तरफ, है कि नहीं। तो अगर हम बात करते हैं सफर की, तो भाई ये जो स्टॉर्म है ये 3 फरवरी को अफगानिस्तान पाकिस्तान ये एरिया में ओरिजिनेट हुआ, और ये होते 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 राजस्थान से होते होते ये फिर महाराष्ट्र गुजरात में आया, महाराष्ट्र गुजरात राजस्थान, गुजरात और राजस्थान ये बाउंड्री शेयर करते हैं पाकिस्तान से, उस गुजरात के नीचे आपका महाराष्ट्र आ जाता है। तो स्टॉर्म जो है वो मिडिल ईस्ट, पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए राजस्थान गुजरात देन महाराष्ट्र मुंबई में आ गया। लो डे टेम्परेचर बहुत, मतलब जो डे टेम्परेचर था वो काफी लो हो गए, टेम्परेचर में गिरावट देखने को मिली, तो एकदम से माहौल ठंडा हो गया। स्पीड थी, विंड्स स्पीड थी ही नहीं, हवा चल ही नहीं रही थी। आमतौर पर जब बढ़िया हवा चलती है तो ये पॉल्यूशन कम हो जाता है, हवा अपने साथ इन सबको ले जाती है,
लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं क्योंकि विंड की स्पीड थी ही नहीं, ह्यूमिडिटी अच्छी खासी थी, नमी बहुत ज्यादा थी। वैसे भी मुंबई में काफी नमी रहती है, चिपचिपी वाली गर्मी पड़ती है वहां पे, तो बड़ा जो वेदर है वो बहुत मतलब ठीक रहता है क्योंकि ठंड यहाँ पे पड़ेगी नहीं, कोस्टल एरिया में आता है, और हवा जो है वो काफी ज्यादा ठंडी थी जिसकी वजह से बैड एयर जो है वो लगातार बना हुआ था। तो मिनिमम टेम्परेचर आप देखिए पिछले 24 घंटों में 19.5 डिग्री सेल्सियस से सीधा 17.5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा। मुंबई में बैड एयर को रेगुलरली क्लीन किया जाता है स्ट्रॉन्ग सी ब्रीज, वही है ना कि समुद्र के किनारे है अरेबियन सी, तो यहां से जो ठंडी हवा आती है ये जो बैड एयर है इसको क्लीन करती रहती है, लेकिन ये हवा रुक सी गई। तो लो विंड स्पीड की वजह से 3 दिन तक मुंबई में लगातार पॉल्यूशन जो है वो बना हुआ है। अब कब तक ये सिचुएशन रहेगी, सबसे बड़ी बात ये है भाई, सफर ने ये बोला है 10 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन है अक्रॉस द सिटी, उन्होंने बोला है कि भाई देखो अभी ये इंप्रूव होगी, अभी तो ये सीवियर कैटेगरी में था, वेरी पुअर से पुअर कैटेगरी में आएगी, यानी कि 201 से 300 तक, अभी तो 320 के करीब है ना, यानी कि दिस इज इन द वेरी पुअर कैटेगरी, तो धीमे धीमे ये पुअर कैटेगरी में आएगी अगले 2 दिन तक, यानी कि आज और कल तक 200 से 300 के बीच में आपका एयर क्वालिटी लेवल रहेगा। 24 घंटे की एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग की अगर बात करें तो 312, मतलब आज भी 312 रहेगा, अब 4-5 दिन इसको नॉर्मल होने में लग सकते हैं, ठीक है। प्लस मुंबई के जो वासी हैं, मुंबई वासियों के लिए, मुंबईकर्स के लिए क्या हिदायत है, सबसे पहली बात तो ये बाहर ना निकले, वैसे भी कोविड की वजह से अभी तो सब बंद ही हैं, तो आप घर पे ही रहें, बाहर ना निकले। फिर यहां पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, ये किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी जो है आउटडोर्स वो अवॉइड करें, जितना हो सके घर में ही रहें। जो एस्थमेटिक है, जिनको एस्थमा है, वो तो बिल्कुल भी बाहर ना निकलें और अपनी मेडिकेशन को अपने साथ लेके चलें। देन लगातार मास्क पहने, N95 मास्क और P100 अगर आप बाहर जा भी रहे हैं तो डोर्स और विंडोज को बंद करके रखें जितना ज्यादा हो सके, और वेट मॉपिंग इज प्रेफरेबल क्योंकि लगातार और वैक्यूमिंग नहीं, वेट मॉपिंग इज प्रेफरेबल क्योंकि देखिए लगातार यही धूल भरी आंधी से, और अभी तो सिचुएशन बहुत खराब है, तो कमरों के अंदर भी गंदगी हो जाती है। तो ये हिसाब किताब है। अभी आप ये समझिए कि इसको ठीक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पूरा हफ्ता इसी में ही जाएगा। तो मुंबई में पॉल्यूशन बढ़ गया है, वैसे आपको पता ही है कि टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटी में उसमें एक मुंबई भी आता है, दिल्ली भी है, दिल्ली तो है ही है, कानपुर भी है, अभी तो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में दिल्ली तो रहता ही रहता है। तो हमको अब कुछ ना कुछ पॉल्यूशन के लिए करने की जरूरत है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।